बना रहे हैं सीख कबाब। ये बहुत ही आसान और झटपट बनने वाली रेसिपी है, तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने ले लिया है आधा किलो खीमा और ये है दलिया, या आप इसे भुना हुआ चने भी कह सकते हैं। इसे हमने इस तरह पाउडर फॉर्म में कर लिया है। ये है हाफ कप कोरिएंडर लीव्स, हाफ कप पुदीना, एक मीडियम साइज के अनियन चॉप की हुई, एक मीडियम साइज की अनियन ग्रेट की हुई। इसका हमने पानी बलबल के कपड़े से रिलीज कर लिया है। तीन हरी मिर्चें, इसे हमने फाइनली चॉप कर ली है। 1 टेबलस्पून कच्चे पपीते का पेस्ट, 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, नमक हसबी जरूरत, 1 टेबलस्पून नींबू का रस, 1 टेबलस्पून भुना कुटा धनिया, 1 टेबलस्पून भुना कुटा जीरा, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। यहाँ हमने एक बाउल में हमारा खीमा निकाल लिया है। अब उसमें हम ऐड करेंगे पुदीना, प्याज, हरी मिर्च, कच्चे पपीते का पेस्ट, मिर्च, इसे आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं, नमक, भुना कुटा धनिया, हल्दी पाउडर, जीरा, गरम मसाला, ब्लैक पेपर पाउडर। अब इसमें हम ऐड कर देंगे लेमन जूस, और हमारा दलिये का पाउडर। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसे हम ग्राइंडर में पीस लेंगे ताकि मसाले खीमे के अंदर अच्छे से चले जाए। पीस लिया है, अब इसमें हम ऐड करेंगे प्याज और डालेंगे कोथमीर। अब इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून मेल्टेड बटर। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स हो चुका है, अब इसे हम बारबेक्यू का मजा लाने के लिए अब इसमें हम रखेंगे फॉइल पेपर। अब इसमें हमने रख दिया है कोयला, अब इसमें हम डालेंगे मेल्टेड बटर। अब इसे हम ढक कर रख देंगे। अब इसे हम आधे घंटे तक के मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। मैरिनेट हो चुका है, अब हम हाथ पे थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसके कबाब्स बनाना स्टार्ट करेंगे। आप चाहे तो एक स्ट्रॉ से या फिर इस क्यूअर से भी बना सकते हैं। इसी तरह हम सारे कबाब्स बनाएंगे। इसी तरह हम आखिरी वाला भी बना लेंगे। चालू तो कर।
तो चलिए इन्हें ग्रिल पैन पे तलते हैं। अगर आपके पास ग्रिल पैन ना हो तो कोई बात नहीं, आप इसे सादे फ्राई पैन पे भी तल सकते हैं। यहाँ हमने ग्रिल पैन में ऑयल डाल के इसे गर्म कर लिया है। अब इसमें हम हमारे सीख कबाब रखेंगे। इसे हम दूर दूर ही रखेंगे ताकि ये एक दूसरे को चिपक ना जाए। अभी एक साइड से फ्राई हो चुके हैं, अब हम इन्हें पलटा लेंगे। ये ब्रश से ब्राउन हो चुके हैं, अब इन्हें हम निकाल लेंगे। इसी तरह हम दूसरे भी फ्राई कर लेंगे। हमारे कबाब फ्राई हो गए हैं और हमने फॉइल पेपर में अब हम रखेंगे हमारा कोयला और इसे ढक्कन ढक के। तो ये बनकर तैयार हो गए हैं हमारे कबाब्स। तो चलिए इन्हें चेक कर देते हैं। ये देखिए अंदर से कितने सॉफ्ट बने हैं। आप इसे ग्रीन चटनी के साथ भी खा सकते हैं, ये बहुत मज़े का लगता है। वाओ, बहुत यमी। आप इस मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बाय बाय।